महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। अब इस हलचल में एक नई एंट्री हुई है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की। उनके एक बयान ने शिवसेना के नेताओं को इतना असहज कर दिया कि संजय राउत को सामने आकर बयान देना पड़ गया। दरअसल राज ठाकरे ने एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने के लिए समर्थन नहीं दिया था। उद्धव ठाकरे ने जनता के साथ गद्दारी की है, जनता से गद्दारी करने वाले नेताओं को जनता ही सबक सिखाएगी। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि चुनाव के नतीजों के बाद ही उद्धव ठाकरे और शिवसेना को 2.5 साल का सीएम पद का वादा कैसे याद आया, चुनावी मंच पर उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ये बात क्यों नहीं कही, सीएम जनता का पद है, इस पर अकेले में चर्चा का क्या मतलब था। उनके इस बयान के बाद शिवसेना बुरी तरह बिफर गई और शिवसेना नेता संजय राउत ने राज ठाकरे की टिप्पणी पर जवाब दिया। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे को निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ही उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद वाले वादे की याद आ रही है। उन्होंने राज ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि उनकी अकल इतनी देर बाद जाकर खुली है, भाजपा और शिवसेना में क्या हुआ है वो हम दोनों देख लेंगे, इसमें हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि शिवाजी पार्क में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के कार्यक्रम को देखकर लोगों को लगा कि यह भाजपा का कार्यक्रम है। वहीं राज ठाकरे के मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की बात पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में देश का कानून कायम है, गृह मंत्री सब कुछ कानून के अनुसार करेंगे, पहले ये देखिए कि कौन से बीजेपी शासित राज्यों में अजान बंद हो गई है या मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं, या महाराष्ट्र है और यहाँ कानून का पालन किया जाता है। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने यह भी कहा था कि सुबह सुबह मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान बंद कराई जाए वरना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा बजाएंगे। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।